देश में एक तरफ कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे में यूपी और बिहार में नदियों में शव मिलने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बुलंदशहर प्रशासन भी हरकत में आ गया है और बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर एनडीआरएफ और 41वीं वाहिनी पीएससी गाजियाबाद अब गंगा घाटों पर तैनात कर दी गई है और गंगा नदी में एनडीआरएफ और पीएससी लगातार नजर बनाए हुए है। और साथ ही यदि गंगा किनारे रेत में दबे शव या गंगा नदी में तैरते हुए शव मिलेंगे तो एनडीआरएफ और पीएससी के जवान स्थानीय थाने में सूचना देकर उनका अंतिम संस्कार भी कराएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि शासन के द्वारा ये आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कुछ लोग शवों को लावारिस मान करके और नदी में बहा दे रहे हैं और दूर दूर तक शव बह करके जा रहे हैं और ये जनता में एक दुर्भाव जो है पैदा हो रहा है इस चीज़ से, इसको रोकने के लिए हम लोगों को ड्यूटी संपादित करने हेतु लगाया गया ताकि नदी में कोई लावारिस शव बहता हुआ ना मिले। अगर कोई मिलता है तो उसको तत्काल निकलवा करके अपने थाने को सूचना देकर उसको व्यवस्थित रूप से जहां भी जिस जगह उसको जो है रखा जाना चाहिए, उसको दफनाया जाना चाहिए, उसको जलाया जाना चाहिए, जो भी प्रक्रिया जो है कोतवाल साहब के द्वारा संपर्क कराई जाएगी उसको सूचना हमें देने का उद्देश्य। वहीं एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार का कहना है कि नदी में शव प्रवाहित करने और प्रभावित करने वालों पर नजर रखी जा रही है ताकि अंतिम संस्कार सरकार के नियम अनुसार कराया जा सके। देखिए, हमारे जनपद में लगभग 6 थाना क्षेत्र जो है वो गंगा जी के किनारे हैं, जिसमें नरसेना से प्रारंभ होकर रामघाट तक का एरिया है जहाँ गंगा जी प्रवाहित होती है। गंगा नदी में कोई शव फेंक न सके क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण की समस्या आती है, प्रतिबंधित है नदी में शव का दाह करना। तो इस दृष्टिकोण से चूँकि कई जगह से ऐसी सूचनाएं मीडिया के माध्यम से आ रही थी जहां गंगा नदी में या अन्य नदियों में शव प्रवाहित किए जाने की बात चर्चा में थी, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहां फ्लड कंपनी की 1.5 सेक्शन पीएसी में अपने उपकरणों के जनपद में तैनात है। बता दें, गंगा में शव प्रवाहित कराए जाने की घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट मांगे जाने के बाद प्रदेश सरकार ने गंगा की निगरानी के आदेश दिए हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए बुलंदशहर से लोकेश कुमार की रिपोर्ट।